हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम किस प्रकार से करंट डेट एंड टाइम बताने वाला प्रोग्राम बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम बना हुआ है और यहां पर अगर मैं यहां पर डबल क्लिक करता हूं तो ये किस प्रकार से डेट एंड टाइम शो करेगा, ये देखिए। यहां पर डबल क्लिक किया हमने तो यहां लिखा हुआ आ रहा है क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहां देखिए करंट डेट एंड टाइम शो हो रहा है। ठीक है, आज डेट है, आज 5 तारीख है 2020 और 42 सेकंड हो रहे हैं। जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो ये सेकंड आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह का एक डेट एंड टाइम शो कराने वाला एक प्रोग्राम हम बनाने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेना है जो कि हमारे पास ऑलरेडी ओपन है। हम यहां से न्यू फाइल चूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पर हमें कोडिंग करनी है तो सबसे पहले हम लगाते हैं डॉक टाइप। ठीक है, तो यहां लिखा मैंने डॉक टाइप एचटीएमएल, फिर एचटीएमएल फिर यहां पे लिखेंगे बॉडी, चूंकि टाइटल और हेड की जरूरत नहीं अभी तो यहां डायरेक्टली मैं बॉडी लिखता हूं। और यहां पर हम दे देंगे कि हम कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं, तो H1 टैग या H2 या H3 कुछ भी दे सकते हैं। यहां H3 दे देता हूं मैं, माय फर्स्ट वॉच ये लिख देता हूं, ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और इसको यहां से क्लोज करेंगे H3 को। और इसके बाद क्या करना है आपको, यहां बटन बनाना है। तो बटन बनाने के लिए हम यहां बटन लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे टाइप। तो बटन किस टाइप का होगा हमारा, तो इज इक्वल टू बटन। ठीक है, तो ये बटन ही होगा, यहां लिख देता हूं बटन। तो यहां नीचे आएंगे या फिर यहां पर भी आप लिख सकते हैं, मैं नीचे आ जाता हूं। यहां पर आपको क्या लिखना है, लिखना है ऑन क्लिक। तो ऑन और क्लिक ये लिख दिया हमने, क्लिक करने पर जो डिस्प्ले होगा। ठीक है, इज इक्वल टू डबल डॉट कॉमा में लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो यहां लिखता हूं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर एक स्मॉल ब्रैकेट बना लेना है और सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिखना है डेमो। ठीक है, क्लोज करेंगे सिंगल इनवर्टेड कॉमा को, स्मॉल ब्रैकेट को भी करेंगे क्लोज। यहां लिखेंगे डॉट इनर HTML, तो ये HTML जो है कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना होगा, तो यहां HTML भी लिख लिया हमने। अब इज इक्वल टू लगाएंगे, इज इक्वल टू हम क्या यहां पे फंक्शन यूज करेंगे डेट, तो यहां पे हमने डेट फार्मूला लगा लिया और यहां पे करेंगे इसको क्लोज इनवर्टेड कॉमा को, जो डबल इनवर्टेड कॉमा हमने लिया था उसको यहां पे क्लोज करना है। और ये जो एंगुलर ब्रैकेट लिया था उसको भी कर दिया क्लोज। और अब यहां पर लिखना है क्लिक हियर टू डिस्प्ले करेंट डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम, तो ये लिख दिया हमने। और यहां पर अब करेंगे बटन टैग को क्लोज, जो हमने बटन लिया था उसको क्लोज कर देंगे। यहां पर इसका काम पूरा हुआ। और यहां पर पैराग्राफ आईडी लगाएंगे, पैराग्राफ आईडी इज इक्वल टू डेमो और यहां पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे और यहां से बॉडी को क्लोज करेंगे और एचटीएमएल को भी क्लोज कर देंगे। अब यहां पर इसको सेव करेंगे डेट डॉट एचटीएमएल से। ठीक है, मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया सेव। आइए चलिए देखते हैं हमारा प्रोग्राम चल रहा है या नहीं। तो यहां पर डबल क्लिक करता हूं, जैसे ही क्लिक करता हूं यहां पे शो करेगा और जैसे ही इस पे क्लिक करता हूं तो ये आप देख सकते हैं करंट डेट एंड टाइम शो हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। देखिए 7:30 हो रहे हैं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे रिफ्रेश करेंगे इसको तो ये और करंट टाइम शो करेगा। यहां से फिर मैं रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए अब ये 31 ये पूरा 1-1 सेकंड का जो है ब्यौरा देता जाएगा। ये यहां पे देखिए फिर क्लिक किया हमने, ये 9 सेकंड हो गए,
यहां पे 11 सेकंड हो गए, ठीक है। तो ये करंट डेट एंड टाइम शो करेगा, देखिए डेट भी बता रहा है, 5 तारीख है 2020 है, ठीक है, और महीना कौन सा है, मार्च का महीना है, तो ये मार्च का महीना शो कर रहा है, दिन भी शो कर रहा है, यानी थर्सडे है आज, तो थर्सडे आ रहा है यहां पे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।